नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए बातचीत करते हैं देश और दुनिया में चल रही तमाम हलचलों के बारे में, खबरों के बारे में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महामारी के दौरान कई बड़े फैसले ले रहे हैं, अहम फैसले ले रहे हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, कि आखिर उन तक किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाए और देश का जो नुकसान हुआ है इतने महीनों में उससे उभरा जा सके और देश वापस अपनी पुरानी स्थिति में आए या फिर उससे बेहतर स्थिति में आ जाए। इसके अलावा देश की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है, सीमा पर तनाव बना हुआ है। तो साथ ही साथ ये त्योहारी सीजन है और इस त्योहारी सीजन में कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है और कई नए नियम बन रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, जाने वित्त मंत्री के प्रमुख ऐलान। सरहद पर चीन ने टेके घुटने, 3 बार में LAC से 30 किलोमीटर पीछे जाने को हुआ सहमत, भारत भी पीछे जाने को तैयार। कोरोना वैक्सीन का भारत में भंडारण मुश्किल, -70 डिग्री तापमान की जरूरत। कोरोना से जंग में एक और खुशखबरी, जायरस कैडिला ने पूरा किया इस थेरेपी के दूसरे चरण का परीक्षण। धनतेरस से शुरू होगा 5 दिवसीय दिवाली महापर्व, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। PNB ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा, अब मिनटों में निपटाए सभी बैंकिंग कामकाज। इफको ने दिया किसानों को दिवाली गिफ्ट, खाद के दाम में कटौती का ऐलान। जनधन अकाउंट को तुरंत करे आधार कार्ड से लिंक, वरना होगा 1.5 लाख रुपए का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। इसी के साथ आपसे ये बात कहनी है, इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी इतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आपका ये प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और उसी तरीके के एक मोटिवेशन होता है जब आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ जब अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए और अपना ये सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत में एक दिन में COVID-19 के 47,905 नए मामले सामने के आने के बाद देश के संक्रमण मामले बढ़कर हो गए हैं 86,83,916। वहीं देश में अभी तक 80,66,501 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 550 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,28,121 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 4,89,294 लोग कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज हो रहा है, जो कुल मामलों का 5.63% है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा, GST कलेक्शन जैसे कई आंकड़े बेहतर आए हैं और रिजर्व बैंक ने ये संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव GDP ग्रोथ हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई में 20% बढ़ावत हुई है, बैंक कर्ज वितरण में 5% की बढ़त, शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई है, FPI का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा, विदेशी मुद्रा भंडार भी $560 अरब के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए गए कदमों से मजदूरों को काफी फायदा हुआ। बुधवार को ही सरकार ने 10 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम हो गया। सूत्रों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच जारी सीमा संघर्ष का जल्द हल निकल सकता है। दोनों देशों की सेनाओं में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से हटने की सहमति बन गई है। समझौते के तहत चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार है जहां अप्रैल में थी। कमांडर स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच इस योजना पर चर्चा हुई। वार्ता में भारत ने चीन के सामने प्रस्ताव रखा है, सब ठीक रहा तो 3 चरणों में सेना की वापसी होगी। पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की वापसी होगी, दूसरे चरण में फिंगर एरिया से 3 दिन में सैनिक हटेंगे और अंत में LAC से सैनिक पीछे हट जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन देश के रिकवरी रेट में यानी कि ठीक होने की दर में भी वृद्धि है। कोरोना वैक्सीन से भी हम बस कुछ ही कदम पीछे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड समेत कई वैक्सीनेशन कैंडिडेट्स अंतिम चरणों के ट्रायल में गुजर रही हैं। कोरोना के इलाज के लिए कई थेरेपी भी शोध हो रही है। इसी कड़ी में अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने अच्छी खबर दी है। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी पर शोध कर रही है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि उसने कोविड 19 के मरीजों पर चिकित्सकीय परीक्षण का दूसरा चरण बायोलॉजिकल थेरेपी पेगी हेप के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। जायडस कैडिला अब इस थेरेपी के तीसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिका स्थित दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने ऐलान किया है कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में 90% से ज्यादा कारगर रही। इसी बीच भविष्य में वैक्सीन की भारत में उसकी उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन वैक्सीन के भंडारण पर अब पेच फंस गए हैं। चिंता जताई जा रही है कि इस तरह की वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर ने कहा कि फाइजर के कोविड 19 वैक्सीन के फेज 3 के नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं, लेकिन इसे -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना भारत और दूसरे देशों के लिए चुनौती होगा, क्योंकि लो और मिडिल इनकम वाले देशों के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वैक्सीन को काफी कम तापमान पर रखना होगा। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ये बहुत कठिन होगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली महापर्व की शुरुआत गुरुवार को धनतेरस से हो रही है। शुक्रवार को नरकी चतुर्दशी और छोटी दिवाली है। शनिवार को दिवाली, रविवार को गोवर्धन और अन्नकूट पूजा और सोमवार को भाई दूज पर्व के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन होगा। धनतेरस पर नए उपहार, सोने चांदी के सिक्के, बर्तन और गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन मुहूर्त में पूजन करने के साथ 7 धान्यों की भी पूजा होती है। धनतेरस पर खरीदारी के मुहूर्त 13 नवंबर सुबह 6:49 से 8:11 तक लाभ मेला है। सुबह 8:12 से 10:35 तक अमृत मेला, दोपहर 12 से 1:23 तक शुभ मेला। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और ये खबरें लगातार आती रहेंगी आप तक यू। और अगर आप चाहते हैं कि आप खबरें टाइमली पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी कोई बदलाव नहीं किया, जबकि पेट्रोल के दाम पिछले 49 दिन से जस के तस है। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.75 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99 और चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। आलू प्याज की बढ़ती महंगाई दर से किचन के स्वाद बिगड़ रहे हैं। इन दिनों सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुकानदारों के माने तो आज तक आलू कभी इतना महंगा नहीं था। दरअसल आलू के दाम फूट कर बाजार में अचानक बढ़कर 45 से 50 रुपए हो गए हैं। प्याज के दामों में भी तेजी आ गई है। बाजार में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए किलो हो गई है। बता दें कि बिक्रमगंज अनुमंडल के सभी प्रखंड क्षेत्र में आलू के थोक दाम 35 से बढ़कर 40 हो गए और प्याज 60 से बढ़कर 70-80 रुपए प्रति किलो हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PNB ग्राहकों की सुविधा के लिए PNB One ऐप लेकर आया है। इस ऐप के जरिए आप अपने घर पर बैठे ही सभी बैंकिंग कामकाज कर सकते हैं। अब आपको किसी भी काम के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप पर रजिस्टर होने के बाद यूजर्स अपनी फोन बुक कॉन्टैक्ट में से किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि खाते को भी PNB One ऐप से लिंक कर सकते हैं। PNB One एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो एक ही मंच पर सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए आप बिना ब्रांच आए अपने सभी कामों को निपटा सकते हैं। इसके अलावा ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकारी उर्वरक कंपनी इफको ने एनपी खाद की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 रुपए प्रति बोरी की कमी कर इसे 925 रुपए का ऐलान कर दिया है। एनपी खाद की कीमतों में ये कटौती पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉक्टर यूएस अवस्थी ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया, एनपी उर्वरक की कीमतों में कमी करने से कृषि लागत में कमी आएगी और इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। इफको का ये कदम प्रधानमंत्री की 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना के मुताबिक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
अगर आपके पास जनधन खाता है और वो आधार से जुड़ा नहीं है तो आप बहुत नुकसान में हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक अकाउंट्स को ग्राहकों के आधार नंबर से जोड़ लिया जाए। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट से आधार लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करवा लें, तो आपको 1.30 तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार इस अकाउंट में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिससे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार यूं ही पहुंचती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आते रहे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम। धन्यवाद।